कहीं किस तरह का आइसोलेशन इनको रखा जा रहा है, जिला प्रशासन द्वारा किस तरह के एहतियात। जो ब्लड सैंपल्स भेजे गए थे टेस्ट के लिए, उसमें कल देर रात हमें जो रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं उसमें से 5 केसेस पॉजिटिव हैं। 4 उसमें से इंदौर के रहवासी हैं और एक हैं उज्जैन के हैं। अभी पांचों की कंडीशंस हमारे जो वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं उनकी निगरानी में उन्हें रखा है। एज ऑफ नाउ पांचों लोगों की कंडीशन स्टेबल है। अभी हम लोग उनकी कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग करा रहे हैं कि वो इमीडिएटली किस किस के कॉन्टैक्ट में आए थे, और फिर हमारे आगे की कार्रवाई हमारी प्रारंभ होगी। सर, इंदौर में तंत्र जो मालिक लागू है, क्या इसको बढ़ाया भी जा सकता है, बावजूद उसके लोग अभी भी सड़कों पर घूम रहे हैं। जो 144 धारा का हम लोगों ने लागू जो किया था, हमारे सुबह से हमारे राजस्व अधिकारी, मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी ज्वाइंटली निरीक्षण कर रहे हैं, और हम लोगों सख्त हिदायत दी है कि यदि कोई बिना अनुमति के या जो आवश्यक सेवाओं को हमने एग्जेम्पशन दिया है उसके अतिरिक्त यदि कोई अगर सड़कों पर घूमता पाएगा तो उसके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी। विगत 2-3 दिनों में जिन लोगों ने उल्लंघन किया है हमने उनके अगेंस्ट में FIR भी दर्ज कराई है और उनके वाहन के लाइसेंस भी निलंबित किए हैं। इसके बाद भी यदि लोग इसको उल्लंघन करेंगे तो आगे और कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, कर्फ्यू की कोई अभी शासन नया साल